उठे हालूर। अरे क्या हो गया जी बाबा, क्यों खा रहे सुबह सुबह? कल से बेटा अगर तू काम पे नहीं गया तो घर में मत आना। ठीक है ना, देखता मैं क्या है तो मेरा। अरे भाई बीड़ी देख। लेना भाई बीड़ी। क्या रे भाई तन्नो, क्यों रे भाई कहाँ घूम रहा? तेरे आया था जरा बीड़ी पीने, और तू तो भाई दिन भर गेम ही खेल रहा है कि इसमें जिंदगी खराब कर लेगा। मेरे को तो ऐसा बोल रहा है कि जैसा तू खुद हवाई जहाज ही उड़ा रहा, मेरे से ज्यादा बेकारी में तो तू है रे। अरे तो खोल रहा भाई को भाई, अब भी मेरे बाबा के गाले सुनकर आया, नाश्ते से पहले गालियां खाना पड़ता, उसमें भोग में तू अलग ताने मार रहा, ऐसी रहेगा क्या अपना? तेरे को क्या लग रहा कि तू ही गालियां सुन रहा? अरे भाई मैं तो मार भी खाकर आया, क्या बताना तेरे को, साला काम धंधों का कोई अता पता नहीं, शादी का उम्र अलग हो गए, कोई रिश्ते लेके जा रहे तो लड़की वाले सीधा पूछ रहे लड़का क्या करता, वहीं पर ही रिश्ते कैंसिल हो जा रहे ना, हो करना तो क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई मेरा भी तो वही मसला है, मेरे बाबा ने तो यहाँ तक बोल दिए कि अगर तूने कल से काम धंधा नहीं देखा तो बोले घर में ही मत आना। मेरे को तो इतना टेंशन आ गया भाई, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता साला, एक आधी चटे और तेल की बॉटल ले लेता अब। अरे नहीं हो क्या, कुछ भी काम करेंगे क्या, ढूंढते अपन काम धंधे के, फालतू काम चालू कर देते, देखते भाई कुछ हो ही जाएंगे। ये जानी लेवर किसको आवाज दे रहे? अरे मेरे बाप रे, बचतगट वाला तो नहीं है रे, जूता और बैग लगा दिख रहा उसको। क्यों तेरा क्या कर लिया बचतगट वालों ने? अरे पिछले महीने 15,000 का लोन उठा के खा लिया मैंने। क्या धंधे उठा रहे तूने भी, जरा तो इज्जत का ख्याल कर। अरे क्या करूँ रे भाई समझ में नहीं आ रहा। चल देखते क्या बोल रहा था वो। क्यों क्या मसला भैया? अरे कुछ नहीं हो, एक जने का पता होना था, देखो बरा तुम पहचानते क्या इसको? अरे इसको तो बहुत अच्छे से पहचानते हो हम, ये तो हमारे मोहल्ले का आदमी है। चलो ना फिर गाड़ी पे बैठो, बताओ बरा घर। चलो अंदर आवाज देते उसको। हाँ चलो। अरे असलम भाई है क्या घर में? अरे वो देखो भागा सर। अरे असलम भाई इधर आओ। भैया वो घर पर नहीं है, 3 दिन से बॉम्बे गए हैं। कितने झूठे लोग हैं साले, एकदम हराम झूठ बोल रहे हैं। अरे साला अभी तो घर में भागा रहे वो। चलो चलो मैं तुमको उधर पकड़ा था बाहर। बाहर देखते हो उसको। शुक्रिया यार भैया घर बताने के लिए। चलो तुम 200 रुपए रखो चाय पानी के लिए। अरे यार भैया बहुत अच्छा काम करे तुमने, बहुत परेशानी में थे हम। मैं कह रहा हूँ भैया वैसा काम कौन सा करते तुम, एकदम से 200 की नोट दे दिए। अरे कुछ नहीं हो, अपना फाइनेंस का काम है गाड़ियां उठाने का। अरे भैया हमारे को बताओ ना कुछ काम होगा तो, हमारे माँ बाप परेशान हो गए यार हमारे से। हाँ भैया जमा दो हमारे काम धंधे का, बहुत बड़े बेरोजगार है यार हम। चलो रखो तुम कार्ड, कल ऑफिस पे साहब से मिला देता तुमको। ठीक है ना भैया, शुक्रिया भैया। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भाई लोग होते हैं ना ये गलियों के भाई लोग होते हैं। अरे एक बार गाड़ी तो लगने दो उसकी, फिर बताता हूँ ना कैसे भाई लोग होते हैं करके। गाड़ी लगने दो उसकी, पैसा का क्या बोल रहा है? हाँ पैसा नहीं है। अरे एक काम कर, छन्ने थोड़ा लेके जाओ, उसकी गांड फोड़ दे, ठीक है, और गाड़ी लेकर। अरे तो बोलो तुम लोगों को क्या इंस्टॉलमेंट भरना है क्या? काय की इंस्टॉलमेंट हो, हमारे पास तो खर्रे पूड़ा खाने को पैसे नहीं है, और हमारे को तो हमारे माँ बाप 10 रुपए भिक्की नहीं मारते, तो बैंक वाले कहाँ से लोन देंगे? अच्छा अच्छा तो फिर क्या मसला है? अरे वो सर हम क्या गुड़ूर दिख रहे तुम्हारे को, क्या मजबूरी का फायदा उठाना चाहते क्या हमारा तुम? ऐसे वैसे नहीं हम। अरे यार सॉरी सॉरी, मुझे लगा एक्चुअली तुम लोग उसी काम से आए हो, पता है ना क्या काम था? अरे सर वो तुम्हारे एजेंट ने नंबर दिया था हमारे को, तो जॉब के लिए आए हम, जॉब होना हमारे को। ओके ओके ओके, सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अरे नहीं नहीं सर, चाय कॉफी नहीं लेता मैं रंजना। अरे ठीक है, चाय कॉफी का नहीं पूछ रहे हो, अपने बारे में पूछ रहे, काम काज का क्या करते क्या नहीं, बता उनको। अच्छा अच्छा काम के बारे में पूछ रहे क्या? हाँ। कुछ नहीं सर, मैं बांध काम करता था, 3 साल हेल्पर का काम करा, फिर मिस्त्री बना, फिर मैंने सोचा ठेकेदारी करता, तो साला रेते बंद हो गए, तो 3 महीने से घर पे बैठा हूँ।
बताओ सर कुछ काम काज होगा तुम्हारे लिए। ओके ओके अल्टीमेटली कहाँ तक पढ़े हो आप? सर मैं 4 बजे तक पढ़ा, फिर उसके बाद मेरे को डब्बे देने जाना पड़ता था मेस के, तो मैं घर पे आ जाता था। के 4 और 5 बजे तक के कहानी पूछ रहे हो, कौन सी क्लास तक पढ़ा तो वो बोल उनको। अच्छा मैं तो 7वीं तक पढ़ा रे भाई, 8वीं में फेल हो गया था मैं। सर मैं 10वीं पास हूँ, मैंने 5 पैसे देके निकाल लिया था। अरे ओके ओके एक्चुअली एजुकेशन डजंट मैटर फॉर मी, और अपना जो काम है वो गाड़ियाँ उठाने का काम है, तो मुझे एजुकेशन से कोई लेन देन नहीं है आपके, तो काम थोड़ा कठिन है, कर लोगे ना तुम लोग? क्या बोले रे उन्होंने इंग्लिश में, क्या बोले? मेरे भी समझ में नहीं आई, लेकिन उसके बाद ये बोले ये काम थोड़ा डेंजर है, तुम कर लेंगे क्या? अच्छा ये बोले। अरे सर कितना भी डेंजर काम रन दो ना हो, मेरे को नहीं पहचानते क्या तुम? बता रहे रन इनको मेरे बारे में? मेरे को कुछ नहीं मालूम है सर, इसको ही पूछो, तू ही बता रहे भाई। अरे वो सब तो ठीक है, चलो अभी लेन देन की बात कर लेते हैं। अरे सर 100 रुपए एडवांस होना था हमारे को नागपुरी खर्रा खाने की, वो तलब लगी हो सर? ओके ओके वो तो एडवांस मैं दे ही दूंगा, ये गाड़ियों की लिस्ट है ठीक है, और पर गाड़ी आप लोगों को 5,000 रुपए दिया जाएगा ठीक है, जिसमें आपको सभी खर्चे जो है आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसमें चलेगा आपको, मंजूर है? जी जी सर। और एक बात और बताना भूल गया, इसमें जो भी जितने भी नाम है ना, ये सब शहर के नामी गिरामी में भाई लोग हैं ठीक है, तो थोड़ा देखभाल के काम करना। अरे मेरे बाप रे आदेश, अरे इसमें बहुत हार्ड हार्ड लोगों के नाम दिख रहे हैं भाई। अरे बंद कर रहे हो तेरे फोकलास बाता, देखू के तेरा भाई डरने वाला दिख रहा क्या? क्या भाई मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि देखू? अरे ओ सर तुम क्या मेरे को पहचानते नहीं क्या? तुम्हारा भाई 40-50 को अकेला मारता, कई बार इतने हमले भगाया मैंने कि तुमको मालूम भी नहीं होंगे। अरे एक बात बता रहा तुम्हारे को, जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड है ना, वो तुम्हारे भाई के जेब में है। जेब नहीं है रे तेको, जेब ये इसके जेब में रखा है, देखो सर आदमी समझेगा अपने को। भाई चुप रे। ओके ओके वो तो कुछ दिन में दिख ही जाएगा तुम लोग क्या काम करते हो करके। बाय द वे कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू जॉब एंड बेस्ट ऑफ लक। बात बात पे गाले क्यों दे रहा है भाई, इंग्लिश में इसको समझा। चल उठ आते सर हम, चल। अरे क्यों क्यों भैया क्या हो गया? क्या हो गया बोला तो? साले फाइनेंस पे गाड़ी उठाया तूने और इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहा, जब गांड में दम नहीं रहता इंस्टॉलमेंट भरने का तो गाड़ी काहे को उठाते रे फाइनेंस पे? चल उतर बेटा गाड़ी पे से, उधर गाड़ी जमा करा दे उधर। भैया तुम्हारी जान की कसम मैं आज इंस्टॉलमेंट भरने वाला था भैया, गाड़ी मत चुनो यार, मेरा अब्बू मारेंगे भैया। भैया ऑफिस में आके बात कर लो आरिज भाई। भैया अरे आरिज भाई फोन आया, हेलो बात करो। हेलो हेलो क्या चपरासीपुरे में गाड़ी खड़ी है? बस 5 मिनट में पहुंचा, वही रुकना तुम आराम से। चल निकाल ले ले। क्या है रे रुक जा अभी तेको बताता क्या है। तो रुक तू, साले फाइनेंस की गाड़ी चला रहा और इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहा, ला गाड़ी की चाबी दे। तो साले हमारी गाड़ी उठाने वाला पैदा नहीं हुआ, तू कहाँ से आया? कन्नू तू बात कर। अरे भैया वो इंस्टॉलमेंट ड्यू है तुम्हारी, एक दो इंस्टॉलमेंट भर दो ना, वही बोलने आए थे हम, तुम बड़े भाई है ना हमारे। चल बैठ बैठ, तुम्हारा दिल होगा तो भरो, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है भैया, आते हम, गलती हो गई। अस्सलाम वालेकुम। चालू करना, चल जल्दी निकल। हाँ भैया जा रहे आते हैं। क्या हो रहा भाई? उसने मेरे को झापड़ मारा तो किसने देखा तो नहीं रहा वहाँ पर? वो सब मेरे को नहीं मालूम, तू जरा हिसाब से रह रहे भाई, लेकिन कहीं पे भी लाता खिलाएगा नहीं तो तू। अरे भाई वो तो अपने को उम्र में बड़े दिख रहे थे, इसलिए मैंने इज्जत करके बोला जान दो भाई, नहीं तो तेकू तो मालूम 15 जनों को झोल खाता के तेरा भाई। बंद कर तेरे खोखलाट बाता, खालिया गांड पे लाता, तू दिमाग खराब कर रहा। अच्छा मैं क्या बोल रहा भाई, अपन ने गलत काम में तो हाथ नहीं डाल दिए रे भाई, लगा है क्या तूने और गांडू बाता? अरे भाई क्या तेकू तेरे भाई का दौर नहीं मालूम क्या?
साले तू कौन से आदमी के साथ काम कर रहा, पहले ये तो सोच, मेरे गांडू चाले उठा के रखा बटे। अबे तेरे साथ काम कर रहा वही बात का तो डरा मेरे को। तू डरते रहे बेटा जिंदगी भर, लेकिन तेरा भाई भी तेरा भाई है। अब देख मैं कैसा दौर लाऊंगा, पूरे शहर वाले घरों पे गाड़िया नहीं लाके देंगे तो मेरा नाम पलट देना तूने। देखते ना अब घर पे गाड़िया लाके देते कि घर पे उठाने को आते, मार तो तू खिलाएगा मेरे को, पक्का यकीन है तेरे पे। इतना काय को डर रहा है भाई तू, मरेंगे नहीं तो मारेंगे साले को, देख लेंगे ना क्या होता। तो ये गाड़ी ले और गाड़ी जमा करा के आ तू, मैं जा रहा घर को, ठीक है? पागल रुकना, साथ में रहना मेरे। नहीं 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 चल तू संभाल, तू मैं आता बाद में मिलता, मैं तेरे को कल वल देखती। हेलो हेलो आदि, तू तो भाई का फोन उठा, जिसकी गाड़ी उठाया अपन ने, ले बात कर। कौन है रे? कोई भाई है, बात कर भैया। हेलो, अरे तुम कोई भी बात कर रहे, मेरे को क्या करना पड़ता? चैन से बात कर रहे जरा। अरे भाई देखो, इतनी गरम बात करो मत तुम, अगर तुमको मैटर बढ़ाने का होगा तो बोल दो, और मैं भी कोई चोल्लर आदमी नहीं हूँ। हाँ देख लेंगे देख लेंगे, तुम क्या उखाड़ के जमा करते तो कर लो मेरा, और मैं भी कौन हूँ, मैं भी बता देता तुम्हारे को। रखो फोन। कैसे बात कर रहा तू, कौन है कौन नहीं? अरे देख लेंगे रे कौन है वो, मेरे को कचकारा के वो ऐसा है ना। मैं क्या हो रहा, तेरे पास जमानत के पैसे है ना, तू पैसे जमा के रख, अब कुछ भी हो सकता है मेरे हाथ से। तू देखते बैठ भाई, तेरा जा रहा मैं। भाई यह वो जिसने तुम्हारे बेटे की गाड़ी उठाया था। अबे साले तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू भाई के लड़के की गाड़ी उठाएगा? अरे तो गाड़ी उठाना बोले तो हमारा काम है, अभी अभी तो काम पे लगे हम, और वो मैनेजर ने बोला था हमारे को तुम्हारी गाड़ी उठाने का, एक गाड़ी के 5,000 रुपए देता, और मेरे को हाथ लगाने से पहले एक बात सोच लेना, मेरे साथ वाला बहुत खतरनाक है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ पर तोड़ के डाल दे, जो भी करना है सोच समझ के करो। लगा तेरे साथ वाले को फोन, ऐसा तुम्हारे बेटा मारा खाने के आई रे, तुम मेरे भाई को पहचानते थोड़ी, अभी रुका बताता तुमको तुम्हारी आवाज। हेलो आरिश, अरे एक चिल्लर भाई है यहाँ पे बैठा हुआ, इसके लड़कों ने मेरे को उठा के लाए और मेरे को मारने कूटने के धमके दे रहे, मेरी कॉलर वॉलर पकड़ लिए, तेरा बोला मैंने नाम यहाँ पे तो बोल रहे कि तेरे भाई को बुला, कहाँ है तू? अरे यही हूँ ना तेरे पीछे। अरे क्या हो गया तेरे को? मारे रे तू तो मेरे को जमानत के पैसे जमाने का बोल रहा था, तू बोल रहा था कोई भी